गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं पहला ब्लॉग बनाने जा रही हूँ अपना। तो जैसे कि मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप क्या खाते हो खाने में, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं, क्योंकि चिरंजीवी भी आ रहा है आज और वो तो बहुत ही ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, जिम बहुत करता है। तो मेरे को एक अच्छी सी हेल्दी डाइट बनानी है उसके लिए लंच में, जैसे कि उससे अच्छा सा खाना भी मिल जाए, टेस्ट भी मिल जाए, हाई प्रोटीन भी मिल जाए और मेरा पेट भी भर जाए, क्योंकि आई एम लिटिल फूडी और मुझे तो खाना वगैरह बहुत पसंद है। बट ठीक है, आज ट्राई करते हैं कि मैं क्या क्या बना सकती हूँ। तो जैसे कि आज मैं बना रही हूँ एक सोयाबीन का सैलेड, जो एक हेल्दी सैलेड है जो बहुत सारे वेजिटेबल से बना है। आप उसको फ्राई करके भी बना सकते हो, विदाउट फ्राई करके भी बना सकते हो। तो मुझे तो विदाउट फ्राई पसंद है, पर मैं वेजिटेबल्स हल्का सा फ्राई करके डालती हूँ उसमें। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है और मेरे पास क्या क्या सामान है बनाने के लिए आज लंच। तो गाइस, मैंने एक सब्जी तो बना ली है जो कि बहुत ही कम तेल से बनाई है। तो वो सब्जी ये है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है, टेस्टी भी उतनी है, क्योंकि मैं खाना तो बहुत अच्छा बनाती हूँ। और इसमें मैंने खाली प्याज डाला है, लहसुन डाला है और धनिया, और जो गवार की फली है वो बॉईल करके मैंने यूज़ करी है, क्योंकि उसका टेस्ट बॉईल करने के बाद ही अच्छा आता है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो पूछना, मैं बता दूंगी वैसे तो। चलो अभी मैं बनाऊंगी अपना सैलेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। पर उसके लिए पहले तो मुझे थोड़ा सा मेहनत करना है, मुझे वेजिटेबल्स काटने हैं, फिर जब मेरा सैलेड बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। और जैसे आप देख सकते हो, मैंने सोयाबीन तो काट ली है छोटे छोटे बॉईल करके। मेरे पास जिस कोरिएंडर है, कुछ नट्स हैं जो मैंने सोक करके रखे थे, देख सकते हो यहाँ पे मैंने सोक करके रखा है। यहाँ पे भी ये पानी थोड़ा गंदा हो गया, क्योंकि फिर मेरे पास है कुकुम्बर, कैरेट एंड दिस टमाटर है, और मैंने थोड़ा सा कर्ड निकाल के रखा है जिसमें मैं अपना सोयाबीन का सैलेड मैरिनेट करूँगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये तो मैं सॉटे कर रही हूँ अपने सोयाबीन चंक्स, जो कि मैंने कुछ हाफ कच्चे लिए हैं जो विदाउट सॉटे हैं, और ये कुछ सॉटे कर रही हूँ। तो इसको मैं डालूंगी उसमें थोड़ा सा पकने के बाद। तो गाइस, मैंने सैलेड के लिए तो सब काट लिया, खीरा, गाजर, प्याज, हरी धनिया, और तो दूसरे बाउल में देखो तो मैंने थोड़े से स्प्राउट्स डाले हैं सैलेड के ऊपर। अभी मैं सारी सब्जियां इसमें मिला दूंगी जितना भी है। तो पता नहीं मैं क्या खाने जा रही हूँ, इतना अच्छा टेस्टी सा, बट ये बहुत ही सिंपल सैलेड है। तो अभी मैं इसको मिक्सअप करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स करने का तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एकदम पता नहीं इतना टेस्टी लग रहा है। चलो वो तो अब चिरंजीवी भी बताएगा खा के कि उसको कैसा लगा, मेरे को तो यह बहुत अच्छा लगता है। एक बार टेस्ट कर लेते हो, फिर भी नमक वमक ज़्यादा तो नहीं है कहीं, फिर डाल दिया, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। यम्मी, आप लोग भी ट्राई करके देखो, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो सोच रही हूँ मैं इसको खा के पेट भर लेती हूँ, नहीं पर और चीज़ें भी चाहिए पेट भरने के लिए। चलो, तो हमारा दोपहर का खाना राजाओं जैसा होना चाहिए, शाम का खाना गरीबों जैसा, और सुबह हमें हेल्दी थोड़ा सा कुछ भी नाश्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी रखता है। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो ये तो मैंने काट लिए हैं सोयाबीन, कुछ मशरूम्स, और ये मशरूम की ग्रेवी और सोयाबीन की ग्रेवी बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची बस, और थोड़ा सा घी। तो मैंने तो अभी ऐड कर दिया है इसमें कुछ स्प्राउट्स, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या स्प्राउट्स हैं। स्प्राउट्स तो हमें डेली खाने चाहिए, क्योंकि वो उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है और वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग होती है, वो छिले हुए नहीं होते हैं। अभी जो भी आप ग्रेन खा रहे हो उसमें अगर कोटिंग है तो वो बहुत ही अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। चलो जल्दी से बन जाओ आप, ये साउंड मुझे बहुत पसंद है। तो अभी कुछ तैयारी तो हो गई है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी 10:30 हो रहे हैं। तो हम यूजुअली मैं जल्दी लंच कर लेती हूँ, जैसे कि 12 बजे या 12:30 बजे तक मेरा लंच हो जाता है,
क्योंकि मैं लेट नहीं करती, फिर अगर लेट खाओ तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता है जल्दी। तो वैसे भी हमें लंच थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए, 1 बजे के आसपास कर लेना चाहिए। तो अभी कुछ तैयारी तो हो गई है, कुछ बाकी है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं राइस की जगह क्या खाती हूँ। मैं राइस यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी यूज़ करती हूँ रेयरली, बट अगर हमें हेल्दी डाइट खानी है तो मैं राइस यूज़ नहीं करती हूँ। राइस की जगह मैं बताऊंगी आपको क्या यूज़ करती हूँ। इसका नाम है ब्रेनयार्ड मिलेट है, आप देख सकते हैं। तो यूजुअली तो मैं वैसे तो मैं यही यूज़ करती हूँ अगर मेरे को राइस की जगह खाना है। तो राइस मैं खाती हूँ जैसे कि बिरयानी है या फिर पुलाव है, तो उस सब में मैं राइस यूज़ करती हूँ। बट अगर हमें अच्छा लंच करना है, हेल्दी लंच करना है, तो मैं मिलेट्स का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ लंच में। तो गाइस खाना तो पूरा बन के तैयार हो चुका है, और खाना देख के तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, और खाना तो इतना यम्मी दिख रहा है कि क्या ही बोलो। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, और मैं वेट कर रही हूँ जल्दी से आए और मैं खाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो खाना कितना डिलीशियस दिख रहा है, राइट। ये मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर रखी है उसको दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी भाई अच्छा खाना बना सकती हूँ। थोड़ी सी डेकोरेशन करती हूँ, पर क्योंकि हमें जो धनिया के स्टेम्स है वो खाने चाहिए, बहुत ही अच्छे होते हैं। दिख रहा है ना कितना टेस्टी है, अभी खाने में पता चलेगा। वैसे मैंने सैलेड तो टेस्ट करके देखा, सैलेड तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब खाना वो टेस्ट करके बताएगा कि उसको कैसा लगा। क्रॉस फिंगर्स। तो गाइस मैं वेट कर रही हूँ बस उसका, मेरी मेरी प्लेट, और मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज। उसको मैंने अभी कॉल किया था, वो बोल रहा था कि बस आने वाला है, रास्ते में ही है। अच्छा आप क्या देख रहे हो, पेंटिंग? वो सारी पेंटिंग मैंने बनाई है खुद से, मेरे हाथ की बनी हुई है सारी पेंटिंग। वो फ्लावर्स सारी सारी पेंटिंग मैंने ही बनाई है, क्योंकि मुझे पेंटिंग बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, खाना बनाना पसंद है, घूमना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, बाहर खाना भी पसंद है, और पसंद तो खैर सब कुछ है। जिंदगी इसी का नाम है, एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाते रहो बस। सैलेड खाने का मन कर रहा है यार, बहुत टेस्टी बना है। बाकी तो चीज़ें मैंने टेस्ट नहीं करी क्योंकि वो तो ग्रेन के साथ ही चल गई। सैलेड खा लेते, क्या करूँ, ये खा लूँ थोड़ा सैलेड, मन तो बहुत कर रहा है, चल यार खा ही लेते हैं। सैलेड को तो मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगी, मैं दे रही हूँ, चिरंजीवी का नहीं पता मुझे वो कितना देगा। लगता है कि चिरंजीवी आ गया, होपफुली चिरंजीवी हो। गेट खोल के देखते हैं। हाय, वेलकम टू माय हाउस। आओ, मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज रखा है आज। अच्छा, क्या है? ओह माय गॉड, मुझे भी नहीं क्या है। अरे यार आपने पहले क्यों देख लिया? क्या है? देखो मैंने आज आपके लिए स्पेशल लंच बनाया है। ओह माय गॉड, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया, कोकोनट वाटर। अभी दो दो। हम दोनों कोकोनट वाटर पीते हैं डेली। मेरे को पता है कब से भूख लग रही है, मैं वेट कर रही हूँ आप कब आओगे कब खाएंगे। चलो बताओ क्या क्या बनाया मैंने, क्या है ये बताओ जल्दी। ये देखो देखने से लग रहा है दाल, मूंग दाल है, ठीक है, और सोयाबीन है, सोयाबीन की करी, मिक्स दाल करी टाइप है, ठीक है, चलो करी होगी, ठीक है। ये क्या है? ये सलाद है, इसमें मशरूम नहीं क्या बोलते हैं, ये सोयाबीन डाली है, खीरा डाली है, धनिया डाली है, प्याज डाली है, ये भी लग रही है मायनीज जैसी। तीसरी चीज क्या है? ये तो तेरा फेवरेट है, क्या बोलते हैं इसको, गवार फली नहीं, ग्वार फली। वो देखो पीछे, वो देखो बिल्लियां, देखो कैसे लड़ रही हैं, ठीक है। और ये लास्ट, ये तो है अपनी देसी चावल किनोवा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन करके रखा था आपके लिए, तो आप मुझे जल्दी खा के बताओ कैसा लग रहा है। अभी नहीं, हम दोनों साथ में खाएंगे, रुको, ठीक है। मजा आया।
हमारी अच्छी है। ये ना मुझे मेरी कॉपी करता है। चलो जल्दी से ग्रेवी खा के बताओ कैसी लग रही। ये नमक डालना भूल गई। चलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नमक ले क्यों? अरे यार नमक डालना भूल गई। सब्जी तो टेस्टी है। कोई नहीं, जानबूझ के डालियो इतना नमक कम। एक्साइटमेंट में ना नमक डालना ही भूल गई आज मैं। चलो कोई बात नहीं। आप लंच पे आ रहे थे, मैं सोचा कुछ हेल्दी बनाती हूँ क्योंकि आप इतना ज़्यादा जिम करते हो, तो मैं सोचा कि आज कुछ अच्छा हेल्दी ज़्यादा अच्छा सा लंच बनाती हूँ ताकि आप खा के खुश हो जाओगे। चलो गाइस, अब नमक तो कम हो गया है तो मैं नमक लेके आती हूँ और हम अपना लंच कंटिन्यू करते हैं। और मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको सारी रेसिपीज दूंगी, बट आप नमक डालना मत भूलना। यस। तो बाय बाय, सी यू सून।